तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो आइए देखते हैं डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो यह देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण रेखीय वेग संरक्षित रहता है तथा समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब यह क्या कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब इस नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में, मतलब कोई किसी निकाय का जो संपूर्ण रेखीय वेग संरक्षित, मतलब कोई निकाय है और उसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति हो। मान लीजिए कोई पिंड है और उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो, मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण वेग संरक्षित रहता है। कोई पिंड है उस पे बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस समय जो पिंड का संपूर्ण रेखीय वेग रहेगा वह नियत रहता है तथा समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तथा इस स्थिति में जो होता है समय भी रहे तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यही है संरक्षण का नियम, यानी P बराबर कांस्टेंट हो जाता है। आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, माना दो कणों के एक निकाय में जिनमें कणों का द्रव्यमान जो रहेगा वह m1, दो कण हैं तो एक का m1 और एक का m2, और उनका तात्क्षणिक संवेग जो तत्काल संवेग रहे उस समय वह रहे p1 और p2। मतलब पिंड है, उनमें दो पिंड हैं, उनका प्रथम पिंड का द्रव्यमान m1, द्वितीय का m2, और उनका जो उस समय का संवेग रहे वह p1, प्रथम का p1 और द्वितीय का p2 हो। तो किसी तरह आप लोग इसको लिखेंगे, बता रहे हैं हम। तो p1 बराबर m1 v1, p2 बराबर m2 v2 यह हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं p बराबर mv होता है, इसलिए p1 बराबर m1 v1, p2 बराबर m2 v2 n है n पद, तो pn बराबर हो जाएगा mn इंटू vn, यह हो जाएगा। आइए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक का दूसरे नियम के अनुसार यह बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, आप लोग जानते हैं। और इसको आगे लिखते हैं, इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, यदि उस बॉडी पर कोई बाहरी बल न कार्य कर रहा हो, मतलब वह बल की अनुपस्थिति हो। आप लोगों को हमने इसकी जो थ्योरेटिकल भाषा थी उसमें बताया था, वाई बल की अनुपस्थिति रहे तो एफ बराबर आपका हो जाएगा 0। इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, यदि पिंड पर कोई बाहरी बल न कार्य कर रहा हो तो एफ बराबर 0 हो जाएगा। तो एफ बराबर यहाँ पे क्या था, dp/dt, तो लिख लेंगे हम लोग dp/dt बराबर 0 हो जाएगा एफ, क्योंकि dp/dt के बराबर है एफ, तो बराबर 0 हो जाएगा। या आप लोग लिख देंगे p बराबर कांस्टेंट, p के बराबर हो गया, dp बराबर 0 होगा तो p बराबर आप लोग लिख देंगे कांस्टेंट। इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं p1+p2+...pn=constant, यही आप लोगों का हो गया रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।